हेलो दोस्तों, तो मैं अंशुमन स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो लेक्चर में। तो देखिए भैया, ये सेकंड न्यूज़ आपके लिए, गुड न्यूज़ आ गई, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आ गई है। पैंडेमिक वैसे बहुत ज़्यादा बेकार है, ये तो सब जान ही रहे हैं, उससे बहुत लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन हाँ, इससे आप लोगों के एजुकेशन में कोई भी खलल ना पड़े, इसके लिए सभी आइजर बहुत बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, आइजर कोलकाता ने जेस्ट के लिए क्या दे दिया है, वेवर दे दिया है, वैसे ही यहाँ पे आइजर भोपाल भी अब सामने आया है, ठीक है ना। और आइजर भोपाल के लिए एक और ख़ास बात है, ठीक, आपको क्या बताता हूँ, देखिएगा, मुझे मतलब बताने में भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आइजर भोपाल में ऐसा कहा है कि 2021 का जेस्ट नहीं हुआ है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जेस्ट जो 2020 क्वालिफाइड हैं वो भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है, और जो जैम 2020 या 21 में से कोई भी क्वालिफाइड हैं वो भर सकते हैं ये वाला फॉर्म, ठीक है ना। और उनके जो फॉर्म की डेडलाइन है वो है 20th जून, ठीक। तो आज से ही जितने लोग ये वाला वीडियो देख रहे हैं, भैया तुरंत ही जाके फॉर्म भर दो, अगर आपका जेस्ट जैम 2020 में निकला है या आपका जैम 2021 में निकला है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक। जैम 2020, जेस्ट 2020 या जैम 2021 अगर आपका निकला है तो आप लोग ये फॉर्म भर सकते हो। इनके फॉर्म में एक खास बात ये होती है कि ये लोग जैम का और जेस्ट का दोनों का रैंक परसेंटाइल वगैरह मांगते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपने जैम 2021 दिया है और जेस्ट 2021 तो हुआ नहीं है, ठीक, तो आप लोग को क्या करना है भैया लोगों, आप लोग को ये करना है कि जहाँ पर जेस्ट 2021 है उसमें आप क्या भरोगे, जेस्ट 2021 में अपना रोल नंबर डाल दोगे जो आपका है, जिससे आपने फॉर्म भरा है। और सेकेंड चीज़, जहाँ पे रैंक कहा है ना, वहाँ पे रैंक में जीरो भर देना, और जो आपको परसेंटाइल है वहाँ पे भी आपको क्या भरना है, जीरो भरना है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा बड़ी खुशखबरी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है भैया, जितने लोग हो मतलब कूद पड़ो, ठीक। इतना गंदा टाइम चल रहा था और इतने अच्छे अच्छे फैसले आइसर ले रहे हैं, तो आप लोग को इनका शुक्रगुजार होना चाहिए और जितने जल्दी हो सके आप ही वाला फॉर्म भरें, तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि मेरे हिसाब से इनके यहाँ क्या होने वाला है, आइजर भोपाल का फॉर्म भरोगे तो ये लोग कुछ लोगों को शॉर्ट लिस्ट करेंगे, ठीक है ना, या कोई एग्ज़ाम ऑनलाइन बेस्ड करा के फिर शॉर्ट लिस्ट करेंगे, ठीक है। जैसे आइजर कोलकाता का आपको प्रोसीजर बताया गया था, वैसे ही सेम इनका भी होगा। और ये भी बता दूँ, ये सेकेंड गुड न्यूज़ है, आगे भी गुड न्यूज़ आ सकती हैं। जैसे आइजर पुणे ने तो जैम से काफ़ी बच्चों का इंटरव्यू ले लिया है, तो आइजर पुणे का नहीं आएगा, लेकिन और जो आइजर्स हैं, टोटल अपने पास 7 आइजर्स हैं, ठीक है, 3 का तो हो गया, आइजर कोलकाता, आइजर भोपाल और आइजर पुणे, लेकिन और जो 3-4 बचे हैं उनकी भी गुड न्यूज़ आ सकती है। तो रेडी रहें, एकदम वेबसाइट चेक करते रहें, जहां से भी कोई डिटेल मिले जरूर कमेंट करें, ठीक है ना, क्योंकि मैं उस पर वीडियो बनाऊं और जितने लोग नहीं जानते वो लोग जरूर फॉर्म भरें, ठीक है ना। तो समझ गए, इस फॉर्म को 3 कैटेगरी के लोग भर सकते हैं। पहली कैटेगरी जो जेस्ट 2020 या जैम 2020 क्वालिफाइड हैं, दूसरी कैटेगरी जो आपकी होगी वो जो आईआईटी जैम 2021 क्वालिफाइड है, ठीक है ना। तो दोनों में से कुछ भी क्वालिफाइड हो, 2020 के एग्जाम क्वालिफाइड हो तब भी चलेगा, 2021 में क्वालिफाइड हो तब भी चलेगा, ठीक है भैया। तो 2020 का जो रिजल्ट था ना वो आपका बर्बाद नहीं जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या जो इस साल का जेस्ट होगा उसका कोई मायने होगा, हाँ भैया मायने होगा, क्यों होगा, क्योंकि जैसे आपका TIFR होगा, ISC बेंगलोर हो गए, ये सब भी शायद इस बार जेस्ट से बुलाएं, ठीक है ना। और इनके में भी अगर कुछ सीट बच जाती है, जैसे जैम से वो पूरा अपना इनपुट नहीं ले पाते हैं, तो वो लोग जेस्ट से बुलाएंगे। और ये भी जान लीजिए, जो इस साल जेस्ट दे रहा है उसका नेक्स्ट ईयर तक भी वैलिड रहेगा, मीन्स नेक्स्ट ईयर जब IPSD के लिए फॉर्म निकलेंगे तो उसमें ये जरूर मेंशन रहेगा कि 2021 के जो क्वालिफाइड हैं जेस्ट वो भी भर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जेस्ट ऐसा नहीं है कि ऐसे जाया चला गया, नहीं 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 नहीं, वो काम में आएगा, नेक्स्ट ईयर आएगा, ठीक है ना। तो जिसको इस साल एडमिशन मान लीजिए नहीं मिल पा रहा है आपको, ठीक, तो आप क्या करें, जेस्ट दें, जेस्ट आपका अच्छा आया, कई जगह इंटरव्यू दें, अगर नहीं होता है मान लीजिए किसी भी तरीके से, तो नेक्स्ट ईयर फिर ये रिजल्ट यूज हो जाएगा, तो आपको घबराना नहीं है। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है इसको मतलब क्या बताऊं, कूद पड़ना है, ठीक है ना, ठीक। तो मैं सिर्फ यही बताने आया था कि न्यूज़, गुड न्यूज़ 2.0 आपके लिए आ चुकी है। मैं अंशुमन, अब चलता हूँ, धन्यवाद।